नए कृषि कानून के विरोध में शनिवार को सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में राजभवन की तरफ कूच करना शुरू किया। पुलिस ने रोशनपुरा चौराहे से पहले बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस ही नहीं माने, वे बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए। इस पर पुलिस ने भीड़ को अलग करने के लिए लाठी चार्ज कर वाटर कैनन का प्रयोग किया और जब इससे भी बात नहीं बनी तो टीयर स्मोक छोड़ी गई। पुलिस ने 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया। कृषि कानून के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन किया। जवाहर चौक पर सभा को पूर्व सीएम कमलनाथ दिग्विजय सिंह ने संबोधित किया और कहा कि केंद्र सरकार किसानों को बंधुआ बनाना चाहती है। कमलनाथ ने कहा कि मोदी सरकार किसानों को मजबूर बनाना चाहती है और खेती किसानी इन तीन बिलों के माध्यम से उद्योगपतियों के हवाले करना चाहती है। पुलिस ने रैली को रोशनपुरा के पास ही रोक लिया। कांग्रेसियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने रोशनपुरा और रंग महल चौराहे पर वाटर कैनन से पानी छोड़ा। हालात बेकाबू हुए और हालातों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस दौरान पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग भी किया। पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और विधायक कुणाल चौधरी समेत 20 कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में कमलनाथ ने ट्वीट किया और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं समेत प्रदेश एवं जिलों से आए कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के अलावा पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और जीतू पटवारी समेत कई विधायक शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव, राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता राजभवन जाने के लिए अड़े रहे। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन के जरिए कार्यकर्ताओं को पानी की बौछारों के जरिए रोकने की कोशिश की और आंसू गैस के गोले दागे। इससे कार्यकर्ताओं की आंखों में जलन होने लगी और कोई जीटीबी कॉम्प्लेक्स तो कोई जवाहर चौक की ओर दौड़ पड़ा। इस दौरान कांग्रेसी प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते रहे। इसके बाद कांग्रेसियों ने गिरफ्तारी दी और राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस मसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह कांग्रेस की सिर्फ पद पर बने रहने की लड़ाई है। कांग्रेस एक परिवार की गुलामी में जकड़ी है। कांग्रेस में तो नेता विपक्ष बने रहे कि ना बने रहे, कौन अध्यक्ष रहेगा, ये जितने भी ट्वीट करते हैं या कार्यक्रम करते हैं, प्रदेश की जनता से इसका कोई लेना देना नहीं है। कौन के पास कौन सा पद सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, उनकी गुटी लड़ाई का प्रदर्शन, और ये केवल यही नहीं हो रहा, दिल्ली में बैठक में लड़ पड़ते हैं मैडम के सामने। कोई कहता है कांग्रेस को चुनाव करवाओ, दूसरा कहता नहीं करवाते, एक ही परिवार रहेगा। एक परिवार की गुलामी में जकड़ी कांग्रेस केवल नाटक करती है और वो भी अपने स्वार्थों। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।